देखिए दोस्तों, ये वाला जो मॉड्यूल है वो हमारा ख़राब हो गया है। यहाँ पर इसके अंदर कुछ स्पार्किंग हुई है और इसका जो ग्लास है वो भी पूरी तरह चटक गया है। तो यही मॉड्यूल हमें चेंज करना है, तो इसके लिए हम मॉड्यूल भी लेके आए हैं। तो देखिए, ये हमारा मॉड्यूल रखा हुआ है, सोलर प्लेट जो होती है ये, इसको हमें रिप्लेस करना है इसकी जगह। तो रिप्लेस करने से पहले हमें इसमें क्या करना पड़ता है, इसकी सप्लाई को कहाँ से ऑफ करना पड़ता है, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स है, जिसको हम SMB कहते हैं। तो इसमें हमारी सारी प्लेटों की सप्लाई इसी में आती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारी मॉड्यूल ख़राब हुआ है वो किस स्ट्रिंग में है। तो देखिए, ये 15 नंबर SMB है और ये 13 नंबर है। ये 13 नंबर हमारी स्ट्रिंग है जिसमें हमारी जो प्लेट है वो ख़राब हुई है, तो हमें उसको रिप्लेस करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो 13 नंबर स्ट्रिंग है उसकी सप्लाई को ऑफ़ करना होगा और जो हमारा प्लांट है वो बराबर रन करता रहना चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये देखना चाहिए जो हमारे 13 नंबर स्ट्रिंग है उसका जो वायर है वो हमारा SMB में किस जगह आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जो है वो हमारा 13 नंबर वायर आ रहा है, ये पॉजिटिव वायर है हमारा, और इसके दूसरी साइड हमारा नेगेटिव वायर आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का फ्यूज़ निकाल देना होगा। तो इसके लिए हमें इस बॉक्स को खोलना होगा, तो इस बॉक्स को खोल लेंगे। सोलर प्लांट में स्ट्रिंग क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो सोलर प्लेटें होती हैं तो 20 प्लेटों को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करके जो ग्रुप बनता है उसको एक स्ट्रिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे 20 प्लेट का ग्रुप है, उसको हम एक स्ट्रिंग बोल रहे हैं। कहीं कहीं पर ये ज़्यादा भी हो सकता है, 40 प्लेट भी हो सकती हैं, उसको एक स्ट्रिंग बोला जा सकता है। लेकिन इस प्लांट में 20 प्लेटों को सीरीज़ में कनेक्ट करके एक स्ट्रिंग बनाया गया है, और इसी प्रकार 20-20 प्लेटों के जो स्ट्रिंग बनते हैं, अगर वो 24 स्ट्रिंग हो जाते हैं तो 24 स्ट्रिंग के बीच में एक स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स लगता है, जिसको हम SMB बोलते हैं। तो ये हमारी SMB 15 नंबर है और इसमें 13 नंबर जो है वो स्ट्रिंग है हमारी। तो 13 नंबर स्ट्रिंग में ही हमें प्लेट को चेंज करना है। तो हमें क्या करना होगा कि जो वायर आ रहे हैं हमारे, 24 वायर आ रहे होंगे 24 स्ट्रिंग के यहाँ पर, तो उसमें हमें देखना होगा 13 नंबर वायर जो है वो कहाँ है। कनेक्शन करते समय यहाँ पर हर वायर में एक फेरुल डाला जाता है कि ये कौन सा वायर किस स्ट्रिंग से आ रहा है, तो उसी को देख के हम फ्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 13 नंबर स्ट्रिंग का एक फ्यूज़ लगा हुआ है, तो इस फ्यूज़ को हम डिसकनेक्ट कर देंगे। तो देखिए, ये पॉजिटिव वायर है हमारा 13 नंबर स्ट्रिंग का, और इसी के साथ हम जो नेगेटिव साइड होता है वहाँ पर भी हमें फ्यूज़ को निकालना होगा। तो देखिए, ये हमारा नेगेटिव साइड है 13 नंबर स्ट्रिंग का, यहाँ पर ये 13 नंबर वाला फ्यूज़ लगा हुआ है, तो इस फ्यूज़ को भी हमें निकालना होगा। तो इस फ्यूज़ को निकाल देंगे, इसके बाद हम जो काम करना है हमें 13 नंबर स्ट्रिंग में, उसमें हम आराम से काम कर सकते हैं बिना किसी डर के। तो देखिए, जो हमारा मॉड्यूल ख़राब हुआ है वो यहाँ से हुआ है, यहाँ पर कोई स्पार्किंग हुई है जिससे हमारा जो प्लेट है उसका ग्लास भी चटक गया है। तो देखिए, यहाँ पर ये दो वायर हैं हमारे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमें ये कनेक्टर लगे हुए होते हैं, तो इन कनेक्टर को हमें निकालना होगा। तो इसमें हम आराम से प्रेस करके निकाल सकते हैं, इसमें ग्रुप बने होते हैं, तो उसको प्रेस करें और खींचेंगे तो हमारा ये ग्रुप है वो निकल जाता है, कनेक्टर निकल जाता है। तो इसमें हमने इस प्लेट को अलग कर लिया है। देखिए, ये जो है वो मेल कनेक्टर होता है, और ये जो ग्रुप होते हैं इसको हम प्रेस करते हैं तो ये पीछे निकल आता है, और जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो उसमें फिक्स हो जाता है। तो अब हमने इसको अलग कर लिया है, और अब जो इसके स्क्रू हैं, हमें सारे स्क्रू खोलने होंगे। ये 4 स्क्रू पे हमारा कनेक्ट होता है, जो हमारे इसमें स्क्रू कनेक्ट होते हैं वो हमारा 6 का स्क्रू कनेक्ट होता है। तो ये 6 का जो नट बोल्ट होते हैं इसको हम खोल लेंगे 4 को, और इसके बाद हम प्लेट को बाहर निकालेंगे। तो नीचे की साइड जो है वो जगह कम होती है, तो यहाँ पर हमें लेटकर ही स्क्रू को खोलना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लेटकर जो हमारे 2 स्क्रू लगे होते हैं इनको खोलना होगा, और प्लेट को भी पकड़ के रखना होगा कि जो स्क्रू है वो खुल के हमारी प्लेट जो है वो नीचे ना गिर जाए। तो इसको आराम से खोल लेंगे और फिर धीरे धीरे से इसको निकालेंगे। तो देखिए, इस प्रकार हमें इसको निकालना होगा आसानी से, किसी को चोट भी ना लगे इससे। तो जो स्क्रू है वो पहले सभी स्क्रू को अलग नहीं करेंगे, नट खोल के उसमें फंसा रहने देंगे, फिर आराम से उठा के इसको निकालना होगा, जिससे हम उसमें सेफ भी रहें। तो देखिए, इस प्रकार हम प्लेट को निकाल लेंगे। अब इस वाले मॉड्यूल को हम निकाल लेंगे और इसको किसी अच्छी जगह रख देंगे अभी सावधानी से। तो और इसकी जगह जो हम दूसरा मॉड्यूल लेके आए हैं नया वाला, उसको ला के इसकी जगह कनेक्ट करेंगे। तो ये है हमारा नया वाला मॉड्यूल जिसको हमें उसकी जगह लगाना है। तो इसको हमें बहुत सावधानी से लगाना होगा, अगर ये गलती से गिर जाता है या कहीं एंगल से ज़ोर से टच हो जाता है तो इसका भी ग्लास चटक सकता है। तो इसको हमें बहुत ही सावधानी से लगाना होगा, और इसमें कहीं भी लगने से बचाना होगा। तो इसको हमें बहुत ही सावधानी से इसको रखेंगे, और इसके जो होल हैं उसको हम मिलाएंगे और उसमें स्क्रू को लगाएंगे।
इसमें चार बोल्ट लगते हैं, तो सबसे पहले हमें चार बोल्ट को उसमें फंसाना होगा और टाइट हम जब करेंगे जब चार ही बोल्ट हमारे उसमें फिक्स हो जाएंगे। अगर हम एक बोल्ट को लगा के उसको टाइट कर देंगे तो हम जो दूसरे बोल्ट हैं उसको लगा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें चार ही बोल्ट को लगा के उसके बाद ही इसको टाइट करना होगा। तो चलिए पहले हम चारों बोल्ट को लगा के और उसको एक एक करके उसको टाइट कर लेंगे। और जो टाइट है वो हमें अच्छे से करना होगा, क्योंकि कभी भी यहाँ पर जो तूफान आए या हवा आए तो उससे जो हमारी प्लेट है वो हिले डुले ना, फिक्स बनी रहे। तो बिल्कुल भी लूज़ ना छोड़ें, इसको अच्छे से कनेक्ट कर देंगे चारों बोल्टों को। इसके बाद जिस प्रकार इसके कनेक्शन थे हमें उस कनेक्शन को करना होगा। तो ये प्लेट है, इसमें हमारी ये दो वायर दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इसको हमें राइट साइड वाली प्लेट से एक वायर को कनेक्ट करना है और एक लेफ्ट साइड वाली जो प्लेट है उसमें एक वायर को कनेक्ट करना है। तो इससे हमारा जो कनेक्शन है वो सीरीज़ में हो जाएंगे। तो इस वायर को हम निकाल लेंगे, टाई लगी रहती है इसको तोड़ देंगे। और देखिए ये वाला वो वायर है वो हमारा पॉजिटिव वायर है, तो इसको हमें दूसरी प्लेट के नेगेटिव वायर से कनेक्ट करना है। तो देखिए ये इस वाले का पॉजिटिव हो गया है और ये वाला जो है वो नेगेटिव है हमारे दूसरी प्लेट का। तो इसको अच्छे से फिक्स करना है, इसमें एक चिट की आवाज़ आती है वो आ जाए तो इसका मतलब हमारा जो कनेक्टर है वो सही से फिक्स हो गया है। अब इसका जो नेगेटिव वायर रह गया है, ये नेगेटिव वायर है इसका देखिए, और इस नेगेटिव वायर को हमें जो दूसरी प्लेट है उसके पॉजिटिव वायर में कनेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव कनेक्टर है हमारा और दूसरा जो है वो ये पॉजिटिव कनेक्टर है दूसरे प्लेट का। तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे जिससे हमारा जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। तो इसको भी हमें अच्छे से प्रेस करके कनेक्ट करना है, इसमें भी चिटकी आवाज़ आनी चाहिए। तो इसके बाद कनेक्शन करने के बाद हम इसको वायर को जो चैनल है हमारा उसके अंदर रख देंगे, उसमें जगह रहती है। तो दोनों वायर को हमें इकट्ठा करके उसको चैनल में रख देना चाहिए, वायर लटकता ना रहे। तो अब इसके बाद हमारे कनेक्शन है वो हो गए हैं। तो अब हमें जो फ्यूज़ लगा जो निकाला था हमने उस फ्यूज़ को प्रेस करके हमें चालू करना होगा। प्रेस कर दिया है हमने देखिए, और इसी प्रकार हमें नेगेटिव वाले को भी प्रेस करना होगा तो जो हमारा फ्यूज़ है वो लग जाएगा और जो हमारी 13 नंबर वाली स्ट्रिंग है वो जनरेशन को स्टार्ट कर देगी। तो चलिए अब हम इसके जो कवर खोले थे हमने उस कवर को हमें अच्छे से बंद कर लेना चाहिए कि इसमें पानी ना जाए। तो दोनों कवर को हमें अच्छे से कनेक्ट करके और स्क्रू से अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जो भी दोस्त हमसे कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो भी दोस्त हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल KB इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।